ये जेई एडवांस के पेपर नंबर 1 में था ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो इन्होंने क्या कहा है, 5 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसको कोनिकल फ्लास्क में लिया गया। देख रहे हैं ना, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, H2C2O4 इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट NaOH फ्रॉम अ ब्यूरेट यूजिंग फिनोक्थिलीन इंडिकेटर। द वॉल्यूम ऑफ द NaOH रिक्वायर्ड फॉर द अपीयरेंस ऑफ परमानेंट फेंट पिंक कलर, इंडिकेटर कलर चेंज देगा, इज टैब्यूलेटेड बिलो फॉर 5 परमिसिबल एक्सपेरिमेंट, फॉर 5 एक्सपेरिमेंट्स, ये 5 एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं और उनकी 5 रीडिंग बनाई गई। व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी ऑफ द NaOH सॉल्यूशन। भाई ये टाइट्रेशन किया जा रहा है, ऑक्सैलिक एसिड आपके पास कितना है, 0.10 है ना, और 5 ml, ठीक है, और ऑक्सैलिक एसिड ये इसका एन फैक्टर कितना है, 2, और इसको किसके साथ टाइट्रेट किया गया, NaOH के साथ, और NaOH के साथ फिनोप्थिलीन के साथ इंडिकेटर लिया गया है और टाइट्रेशन कर रहे हैं, फेंट पिंक कलर आया, ये 5 रीडिंग निकाली आपने। पहले एक्सपेरिमेंट में 12.5 ml आ रहा है आपका टाइट्रेशन पे, दूसरे ml पे दूसरी रीडिंग आपकी आई 10.5, तीसरी चौथी पांचवी, आप सभी को पता होगा, 11th क्लास वाले जितने भी बच्चे हैं उनको अभी लैब जाकर ये पता चल जाएगा कि जब हम 3-4 रीडिंग निकालते हैं तो 2 या 2 से ज्यादा जो सेम रीडिंग आती है उसको बोलते हैं मोस्ट कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग। तो ये मोस्ट कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग है 9 ml ऑफ NaOH, यानी ये रिपोर्ट करना है। समझ में आया, क्लियर है भाई, टाइट्रेशन जैसे आप लोग बताते हो ना, कोई बताता है 10 point something, कोई बताता है 10.2, कोई बताता है 10.3, ऐसे सबका डेटा कलेक्ट करूंगा, ठीक है, और इसमें जो बच्चे सबसे ज्यादा जिसको बोल रहे होंगे, सही भी तरीका होना चाहिए उसका, तो वो हम मोस्ट कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग में शामिल कर लेते हैं। अब देखिए, इस सवाल को देखते ही लोग सोचेंगे कि यार ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तो डिफिकल्ट सवाल है, आइनिक भी लगा दिया है ना। ज्यादातर बच्चों का मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, एडवांस का पेपर देने गए हैं, आइनिक इक्विलिब्रियम में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं, और ये सवाल ऐसा दिखा रही है, टेबल बनी है, वो ऑक्सैलिक एसिड फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है, छोड़ो इसको आगे बढ़ो, जबकि ये सवाल हलवा टाइप का सवाल है, कुछ नहीं है। तो ये सवाल बहुत ही सिंपल है, बहुत हलवा टाइप का सवाल है इसको, ये सवाल को तो मैं बोलूंगा ये नीट लायक सवाल है, नीट लायक सवाल है। 12th बोर्ड का बच्चा भी अगर थोड़ा सा ध्यान देगा तो बड़े आराम से कर देगा। अरे इस सवाल में है ही क्या यार, ये मोलैरिटी है, ये वॉल्यूम है, टाइट्रेशन के वक्त इक्विवेलेंट्स को बराबर कर देंगे, मिली इक्विवेलेंट्स को बराबर कर देंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या बन जाएगा, मिली मोल इनटू एन फैक्टर क्या लग जाएगा, 2, और यहां पर NaOH कितना लिया गया है, तो NaOH का मोलैरिटी पूछ रहा है, NaOH का मोलैरिटी पूछ रहा है, जो मोलैरिटी होगा वही नॉर्मेलिटी होगा, NaOH का वॉल्यूम ये लगा दो 9 ml, और देखो एक लाइन में तुरंत आंसर आ रहा है, कुछ करना ही नहीं है इस सवाल में, और ऐसा सवाल एडवांस में दिया गया है पेपर 1 में, बताइए इस सवाल में क्या है। आपको सिर्फ H2C2O4 के मिली इक्विवेलेंट्स बराबर कर देने हैं, किसके, NaOH के बराबर। अब यहां पर इसकी जो मोलैरिटी है और जो वॉल्यूम है वो लिख लीजिए, और यहां पर इसका जो वॉल्यूम है वो 9 ml लिया गया है और इसकी मोलैरिटी आपसे पूछा गया, कितना हलवा टाइप का सवाल है, बताइए। मोल कंसेप्ट पढ़ के बच्चा सॉल्व कर लेगा, है ना, बस ऑब्जर्व करना अच्छे से आना चाहिए, टेबल एबल बना के डरा रहे हैं, 9 ml है, 0.1 5 ml है, 0.1 और ये 5 ml है, लगाओ भाई 5 × 0.1 एंड फैक्टर 2 बराबर, यहां पर मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सेम, इंटू 9, तो ये मोलैरिटी बराबर कितना हो जाएगा, ये 0.10, ये हो गया 10, 1 by 9, लो सॉल्व कर लो, 1 by 9 कितना आता है लिख लो, डेसिमल के प्लेस मैच कर लो, ये था सवाल, बताओ ये एडवांस का सवाल है। 0.11 आएगा इसका आंसर, और इसका जेई का सॉल्यूशन भी यही है, 0.11 इसका आंसर है, तो 0.11, बताइए ऐसा सवाल पूछा जाता है ना, आसान हलवा सा एक तो सवाल, और लोग कहते हैं सिलेक्शन नहीं होता, कितना आसान सा सवाल है, बिल्कुल होगा, अच्छे से पढ़ेंगे तो सब होगा सिलेक्शन।